हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खांसी जुकाम का घरेलू नुस्खा बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। गैस पर मैंने ये छोटा वाला पैन गरम करने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैं 50 काली मिर्ची डाल रही हूँ। साथ में मैंने ये 15 लौंग लिए। इसके जो फूल रहते हैं इसे मैंने निकाल दिया है। ये देखिए लौंग के ऊपर फूल किस तरह से रहते हैं वो आपको दिखा रही हूँ। ऊपर का जो पार्ट रहता है इसे मैंने हटा दिया था। इस तरह से आपको लौंग का यूज करना है। अगर फूल लगे हुए लौंग अगर आप लेते हैं तो काफी ज्यादा गर्म रहते हैं और नुकसान करते हैं, इसलिए आप जो इनके फूल है उन्हें जरूर हटाइएगा। जब तक हमारी दोनों चीजें अच्छे से फूल नहीं जाती और इनका कलर जो चेंज नहीं हो जाता, इसे बिल्कुल देखिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। लो फ्लेम पे आपको इसे अच्छे से भूनना है। देखिए लौंग और काली मिर्ची का जो कलर है वो चेंज होने लगा है और ये चटकने भी लगे। बीच बीच में इसमें चटकने की आवाज आ रही है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ, सब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। पैन में अगर आप रख रहे हैं तो पैन को थोड़ी देर तक इस तरह से चलाते रहिए क्योंकि काफी ज्यादा ये गर्म है। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे इस तरह से खलबत्ते में डाल दिया। इसे हम जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक इसे कूट लेंगे। अगर थोड़ा सा दरदरा भी रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसे आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो इसे आप मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं। इतनी कम क्वांटिटी में अगर इस मिक्सी में पीसेंगे तो पूरा मिक्सी में ही चिपक जाएगा, अच्छे से बारीक नहीं होगा। इस तरह से मैं इसे पूरा बारीक कूट लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे जितना बारीक हो सकता था उतना बारीक इसे कूट लिया मैंने। इसी के अंदर मैं आधा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी मिला रही हूँ। 2 चुटकी मैंने ये सेंधा नमक लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये हमने जो पाउडर बनाया है हमारा, ये सूखा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अभी इसमें कुछ चीजें और मिलाएंगे। अभी हम चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर, नमक आपको सेंधा ही यूज करना है, दूसरा नमक नहीं डालना है। ये देखिए इस तरह से आप पाउडर बना के आपको पूरा तीनों चीजें मिक्स करके पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। इसके अंदर मैं ये 1 चम्मच शहद ले रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने ये अदरक का रस निकाला है, इसे भी इसमें आप पूरा डाल दीजिए। सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अदरक का रस और शहद को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें ये पाउडर इतना ही लेना है क्योंकि हमने सारी चीजें इसमें गरम यूज करी है। इससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकता है। सिर्फ 2 चुटकी आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप चाहें अगर आपकी तासीर शरीर की गरम है तो इससे आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। 1 बार के डोज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बस आपको ये इतना तैयार करना है। इसे रात को सोते समय इसे आप खाकर सो जाए, जिससे से हम कफ सिरप वगैरह लेते हैं बस उसी तरह से आपको इसे लेना है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। पानी का आपको ध्यान रखना है कि इसे खाने के बाद, इसे पीने के बाद आपको पानी का यूज नहीं करना। आप पहले अगर चाहते हैं तो पानी को पहले पी लीजिए, बाद में आपको नहीं पीना है। अगर आपको खांसी की मात्रा बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा अति ज्यादा खांसी चल रही है, तो इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। 1 बार सुबह ले लीजिए, उसके कम से कम 1/2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, ना चाय कॉफी नाश्ता कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो पहले ले लीजिए, आप चाहे तो नाश्ता करने के 1/2 घंटे बाद ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रात को आपको सोते समय ही लेना, उसके बाद पानी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो ही ये सारी चीजें हमारी जो है हमें इसमें मिक्स करिए आपको फायदा करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।